हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आपके वीडियो में। और दोस्तों, अभी अभी ऑमलेट आलू और फूल गोभी का सब्जी बना के आ रहा हूँ। इधर आज करना था ड्राइंग, लेकिन नहीं हुआ। और ये देखो, ये जो नोट मैं बना रहा था, ड्रॉ कर रहा था ना, इस पे काम कर ही नहीं पा रहा हूँ, समय नहीं निकाल पा रहा हूँ भाई। और एक मूड होता है ये सब ड्रॉ करने का, मन ही नहीं कर रहा बनाने का, तो इसलिए मैं इस पे हड़बड़ा के मैं इसमें कुछ ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई ये बहुत डिटेल वाला काम है। क्योंकि नोट भाई बनाना हलवा चीज नहीं है, बहुत डिजाइन है, बहुत डिटेल है, इसको ना एकदम अच्छे से बनाना पड़ेगा। वैसे ये देखो, महात्मा गांधी का ये जो फेस मैं बना चुका हूँ, बस मेरे को कलर करना है, ऐसा कलर करना है और थोड़ा बहुत मार्किंग करना है, ये सब जो जितना सब है, तो वो सब अभी बाकी है और वो सब बनाएंगे जब मूड रहेगा अच्छा। मेरा मूड खराब हुआ गाइस, मैं जो मॉनिटर ऑर्डर किया था ना, वो आया ही नहीं। और हर बार कस्टमर केयर को फोन करने से बोलता था कि भाई आज 10 बजे तक आपका प्रोडक्ट आपके पास होगा, ऐसा ऐसा हर बार सेम डायलॉग, और कुछ नहीं करते थे। बोलते थे कि भाई फुल रिस्पांसिबिलिटी वो लोग लेते हैं, आज प्रोडक्ट आपके पास पहुंच जाएगा, ऐसे ऐसे बोलते थे, लेकिन नहीं कर रहे भाई, नहीं आ रहा। तो फिर मैं सोचा भाई इतना टाइम वेस्ट कर ही दिया हूँ, एक काम करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं और दूसरा ऑर्डर करते हैं। तो वो कैंसिल कर दिया और मैं अभी दूसरा ऑर्डर किया हूँ, वो भाई 1 तारीख तक आ ही जाएगा। 3-4 दिन में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं। क्या रही है, देखो जन्माष्टमी के दिन दोस्तों ये कृष्ण जी का ड्राइंग मैं बनाया था, तो फ्रेम में डालते हैं। थोड़ा देर पहले डिनर कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे, उसको फ्रेम में डालेंगे और एक नया स्केच चालू करेंगे अपन, ठीक है। तो उसके लिए ग्रिड लाइंस वगैरह बनाएंगे, बाकी आपको बताते हैं बाद में कौन सा फोटो रहेगा और कैसा रहेगा, कैसे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ और कितना दिन लग सकता है ये बनाने में। तो पहले अभी सीधा डिनर करते हैं। ये आवाज बहुत करता है, यार। दोस्तों आ चुके हैं, ग्रिड लाइंस बनाते हैं सबसे पहले तो। और गाइस, मैं ये फोटो बनाने वाला हूँ, ये मेरी दादी जी का फोटो है, जो फिलहाल अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये फोटो बहुत पुराना हो चुका है। और क्यों ना बनाते हैं एक अच्छा करके, एकदम मस्त ट्राई करेंगे बेस्ट बनाने का। लेकिन देखो, इसमें डिटेल वगैरह नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा बहुत इसमें एडिट करना पड़ेगा फोटो को, फिर उसके बाद इस पर ड्रॉ करेंगे। तो फिलहाल अभी ग्रिड लाइंस बनाते हैं, आउटलाइन में बाद में बनाऊंगा, एक्यूरेट बनाना है तो ग्रिड लाइंस बनाना है। मतलब फ्री हैंड उतना मतलब कॉन्फिडेंट आता नहीं है कि भाई बनेगा अच्छा, बना लेंगे फ्री हैंड, ऐसा नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट वैसा नहीं दिखेगा, तो ग्रिड लाइंस जरूरी है। फ्री हैंड के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए भाई, बहुत प्रैक्टिस, ठीक है। जैसे कि अभी देखो, ऐसा अगर ड्राइंग रहा तो मैं फ्री हैंड ही बनाता हूँ। ये जैसे पूरा फ्री हैंड है, तो इसको अच्छे से बनाया था और मिलता जुलता दिख भी रहा है। अरे हाँ, इसको तो फ्रेम में डालना था, फ्रेम में डालते हैं सबसे पहले। सा कट करना पड़ेगा लग रहा है। ये देखो गाइस, फ्रेम में कुछ ऐसा लग रहा है, ये पूरा बनाता तो और अच्छा लगता, लेकिन कुछ चीजें अधूरा भी अच्छा लगता है। जैसे कि ये देखो, वैसे यहाँ पे राम जी सीता मैया का भी ड्रॉ किए हैं और पूरा रामायण, और राधा कृष्ण जी का भी एक बनाना है ड्राइंग, तो बनेगा, बनाएंगे। ये तो कृष्ण जी को बनाए, और शायद मैं एक ठो बनाया था क्या राधा कृष्ण जी, पता नहीं यार, सोचा तो था बनाएंगे लेकिन बना ही नहीं पाया हूँ शायद। फिलहाल ये हो चुका, चलो जल्दी से आउटलाइन बनाते, सॉरी ग्रिड लाइंस बनाते। इसको आज ऐसे ही रख देते हैं, ये सब का अभी जगह कहीं फिक्स नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे रखा हुआ है। गाना लगाते हैं और आउटलाइन बनाते हैं, ग्रिड लाइंस बनाते हैं। Thank you.
ग्रिड लाइंस बन गया गाइस, अब इसमें डायगोनल ग्रिड लाइंस बनाना है, तो अभी नहीं बनाएंगे, बाद में बनाएंगे डायगोनल ग्रिड लाइंस। पहले देखूंगा कि भाई फोटो में अगर लगे यूज करना पड़ेगा तो करेंगे, नहीं तो फिर। ये भी काफी है, 2 सेंटीमीटर का गैप लिया हूँ हर एक बॉक्स में, और बस मेरे को अब आउटलाइन बनाना है, लेकिन अभी बनाने का हालत में नहीं हूँ, नींद आ रहा है। आज का ब्लॉग इधर ही एंड करते, नींद लग रहा है, चारों सोने, गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।